कमला जी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। हमारा ये आंदोलन जो 2 साल से चला है, आज इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हमारा टारगेट ये था कि आपने न्यूज सुनी होगी, श्रम मंत्रालय से 1000 से 2000 रुपए करने का प्रस्ताव भेज रहे, सुना होगा आप। हमारा ये मानना था कि 2000 में हमारी जिंदगी गुजर बसर नहीं हो सकती, इसलिए हमें श्रम मंत्रालय पर दबाव डालना था और उनसे 7500 और महंगाई भत्ते का प्रस्ताव यहाँ से भिजवाना था। यह हमारा टारगेट था, कोई भी चीज लड़ने के लिए सामने टारगेट होना चाहिए, तो यह हमारे लड़ाई का टारगेट था। दूसरा हमारा टारगेट था कि जो अंतरिम एडवाइजरी है, इंटरिम एडवाइजरी जो है, जिसकी वजह से हायर पेंशन का मार्ग बंद हो चुका है और हमारे गरीब लोगों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि सही रास्ता मेरे हिसाब से नहीं है, फिर भी लोग वकीलों को पैसे देके वहां जा रहे हैं। वो इंटरिम एडवाइजरी अगर निकाली जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 4 अक्टूबर 2016 का है आपको लागू हो जाता, बजाय इसके कि कोर्ट में जाके हजारों लोग पैसे देते रहे, वकीलों को गप्पर बनाते रहे, बजाय उसके ये कागज का टुकड़ा निकाल लो, ये हमारी दूसरा टारगेट। और ये 2 मांगे लेकर परसों हम आवाज आते हैं भाई, ध्यान से बोलो, इतना ठीक है। ये 2 टारगेट लेकर हम ये आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। हमें मालूम था आपकी वजह से, आपने जो मिलके किया है वो गजब का आंदोलन, आपने भिक्षा मांगी है, भिक्षा मांगकर प्रधानमंत्री राहत कोष को पैसा भेजा, आपने मुंडन आंदोलन किए, आपने गली गली में कचहरी पे मोर्चे लेके गए, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुए, और केवल 2 सालों में, 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, केवल इतने समय में 1.5-2 साल में आपने पूरे भारत को इकट्ठा किया, वो भी ऐसा वैसा भारत नहीं, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, 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 भारत को आपने, ये आपकी महत्ता है और ये आपके दिल की जो लगन है, जो आग है, उसकी वजह से मैं पहले भी कह चुका हूं, कल मैं दोहराता हूं इस बात कि हमारा रिश्ता जात का नहीं, हमारा रिश्ता धर्म का नहीं, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता और दर्द का रिश्ता। दुनिया का सबसे बड़ा रास्ता रिश्ता दर्द का रिश्ता होता है, हमारा दर्द एक है, दुख एक है, इसलिए हमारी जो शक्ति है वो बड़ी है। और आज हम इस कगार पर है कि परसों मंत्री जी ने सभा, मतलब जहां जब उनसे मिले तो उन्होंने खुद ये गारंटी दी है कि आपके 7500 और महंगाई भत्ते का प्रस्ताव यहां से जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मंत्री खुद आकर यहां बोले, वो नहीं हो पाया, लेकिन ये उन्होंने बोला है और इसको हम आदरपूर्वक उसका सम्मान करेंगे। उसके बाद इंटरिम एडवाइजरी निकाल, उसका खत्मा करने के लिए, उसको निकालने के लिए, देखिए इंटरिम एडवाइजरी में 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात, वो सीबीटी के सामने रखी जानी चाहिए, जो इन्होंने रखी नहीं, सीबीटी ने चाहे फिर उस पर हाँ बोले या ना बोले, सीबीटी अगर उस पर ठप्पा लगाती है तो फिर कोर्ट का रास्ता, और अगर उसको निकाल लेते हैं तो कोर्ट की जरूरत नहीं। मंत्री जी ने कहा है उसको निकाल दें, हमारी दोनों मांगे, इसके लिए बड़ा युद्ध हो रहा है, तो दोनों मांगे उन्होंने पर्सनली मुझसे, सिंह साहब से, आदर साहब के वहां से, उनके सामने, सभी सचिवों के सामने,
उनके लेबर मिनिस्टर लेबर सचिव आदरणीय सामरिया जी भी वहाँ थे, उनके पर्सनल सचिव मनु टिंटवाल वहाँ थे, अनुराधा मैडम हाई एम्पावर कमेटी की वो भी वहाँ थी। सभी के सामने ये निर्णय हुआ। अब ये मुकर जाते हैं, कोई भी निर्णय पे कोई भी मुकर जाएगा तो हमारे पास इलाज है कि नहीं? जेंटलमैन वर्ड हुए हैं। एक सज्जन आदमी ने दूसरे सज्जन आदमी को शब्द दिए, असभ्यता कोई करेगा तो दूसरा भी करेगा, बराबर है। लेकिन मंत्री जी पे मुझे पूरा भरोसा है, अच्छे आदमी। कल सिंह साहब और हमारी जो डेलीगेशन वहाँ पे गए थे ऊपर, तब वहाँ ये पता चला, इनकी भाषा में इनके अनुभव से उन्होंने बताया और वो लोगों ने जो बताया, मंत्री जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं आपकी शक्ति का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं फोन करता हूँ तो मंत्री जी उठाते हैं। मैं छोटा आदमी, लेकिन आपकी वजह से वो शक्ति है। आज सुबह मैंने फोन किया, दो बार उठा नहीं पाए, 10 बजे उन्होंने फोन किया। मैंने बोला सर क्या करें, हम जले? तो बोले भाई मैंने आपको शक्ति ये मत करो, मैं आपके साथ हूँ। 10 तारीख को एक्चुअरी का रिपोर्ट आएगा और हम तुरंत आपका रिकमेंडेशन यहाँ से भेज देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे, मैं अपनी तरफ से भगवती प्रसाद जी को, जो हमारे बीजेपी के सांसद है भिंड से, उनको भेज रहा हूँ। और भगवती प्रसाद जी का, हमारे भिंड के लोग जो है बहुत क्रांतिकारी लोग होते हैं, और सिंह साहब भी खुद भिंड के, तो ये सब भिंड वाला रिश्ता काम में आया। वो यहाँ पर आए और उन्होंने मंत्री जी का दिया हुआ शब्द हम तक पहुँचा, इस पर हम संतुष्ट। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।